अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तभी गर्म पानी लेके आके यहाँ हॉल में बैठ के पी रही हूँ और पंखा भी बंद है, ऊपर से गर्म पानी है तो मेरे पसीने निकल रहे हैं। तो चलिए जी, फटाफट से इस पानी को पी लेते हैं। अगर हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोनों चीज़ कर दीजिए। जो है नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। एक तरफ रख दिया है चाय बनने के लिए, दूसरी तरह बना लेते हैं नाश्ता। तो अभी मैंने चाय रख दिया बनने के लिए, एक तरफ चाय बन रही है, अब जा रही हूँ दूसरी तरफ नाश्ता बनाने। तो चलिए जी, फटाफट से अपना हाँ आटा निकालना भूल गई फिर से। आज दूसरी तरफ मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, अभी किसी को नाश्ता नहीं करनी है तो इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो आज है हमारे हिंदू भाई बहनों की नवरात्रि है। नवरात्रि दशहरा ही बोलते हैं, शहरा दशहरा। तो आप सभी हिंदू भाई बहनों को और हमारे फ्रेंड्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आ जाइए, जिसको भी नाश्ता करना है, हमारा नाश्ता एकदम रेडी है। नाश्ते में भिंडी की सब्जी है और इसमें आलू भी डला है और पराठा है, हमारा गर्मा गर्म चाय है। देखो तो क्या करें, नाश्ता वास्ता करना है कि नहीं? अरे भाई, नाश्ता करना है कि नहीं? जब पूछने आओ तब है, नहीं तो चुपके घुस के अंदर दरवाजा बंद करके। तो आवाज़ देनी थी ना, मैं बैठी हूँ सबसे में सोची चले उनको दे देती हूँ। चलिए जी, बना लेते हैं हस्बैंड जी के लिए भी नाश्ता। मैं पूछ के गई तो बोले हाँ बना दो, नहीं पूछते तो नहीं। तो अभी तक वो बैठे ही रहते। ऐसे लगता है नाश्ता होने नहीं, मुझे करना रहता है। भाई भूख लगी है कि नहीं लगी है? नाश्ता 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 खोलो, हेलो। दे रहे हैं पानी, निवाला मुंह में गया नहीं। ओ रुको। चलिए जी, खाना बनाने का टाइम हो चुका है। मैंने दाल निकाल लिया है बनाने के लिए, मिक्स दाल बना रही हूँ। 5 दाल है जो कि मैंने मतलब मिक्स करके बनाऊँगी। तुअर दाल है, अरहर की दाल है, उड़द दाल है, ये मूंग की दाल है बिना छिलके वाली, ये छिलके वाली मूंग की दाल है, ये लाल मसूर की दाल है। तो पूरा जो है ना मिक्स दाल करके मैं आज बना रही हूँ। हमारा मिक्स दाल है, अच्छी लगती है मिक्स दाल, मतलब 4-5 दालों को मिक्स करके बनाओ तो अच्छा बनता है। और इसको जो है ना अच्छे से जो है ना, जैसे कि जो है प्याज है ना, उसको अच्छा खासा 2 प्याज लो, मतलब बघार में 2 प्याज लो, और जो है इसका अच्छा सा मस्त थोड़ा तेल ज़्यादा लेके इसका इसको जो है तड़का मारो, यानी बघार मारो, तो बहुत यानी दाल बनती है। तो अभी मेरा जो है खाना बन गया है, सब रेडी हो चुका है और जो है सारे काम भी हो गए हैं, गैस भी साफ़ कर दिया है, बर्तन सब धुल गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो रहा है तो नमाज़ पढ़ के फिर खाना खाया जाएगा। तो फाइनली वो दिन आ गया जो चीज़ के लिए मुझे इंतज़ार था और आप लोग को भी मुझे बताना था। तो चलिए जी, चलते हैं। वैसे आपको तो मेरे खुशी से तो पता चल गया होगा कि मैं क्या मतलब। मार्केट इतनी जल्दी लग गई जो है ना, नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि का वो घर पर वो रहता है, लहंगा होगा यहाँ नहीं, वो खा वहाँ पे मिलेगा हला रोड पे, लहंगे अच्छे अच्छे।
अच्छा खासा मैंने इन लोग का जो है बजट हिला दिया है। चलो बहुत अच्छा ले लिया, मतलब अच्छा है कि मैंने जो है ना, नहीं तो फिर मेरा जो है कोई रिपोर्ट आ रही है हमास ने उन इलाकों से निवासियों को दक्षिण गाजा की तरफ भागने से, फिर जो है ब्लॉग वगैरह बनाना क्या जो है जब क्वालिटी नहीं अच्छी रहे तो फायदा क्या है। तो आपको मेरा जो है सरप्राइज पता चल गया, मैंने ये मोबाइल लिया है सैमसंग गैलेक्सी S21। तो अभी हमारा ब्लॉग मेरा और भी अच्छा आएगा, मुझे बहुत खुशी है। आप लोग को बताइए आप लोग भी मेरे इस जो है खुशी में शामिल है कि नहीं। तो चलिए जी, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।